नवीन जी झाला, बताइए कि गुजरात में आप लोगों को क्या लग रहा है, क्योंकि हम बाहर से तो देखने में लग रहा है कि कांग्रेस की इस बार अच्छी स्थिति है। हाँ है सर, इस बार है, क्योंकि भाजपा को ये थोड़ा नोटबंदी के हिसाब से थोड़ा वो करना पड़ेगा, और दूसरा भी बहुत छोटे छोटे इश्यू है उसके हिसाब से थोड़ा तकलीफ पड़ेगा। तो कांग्रेस की सरकार बनेगी? नहीं, कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी, मैं ऐसा नहीं बोलता कि बनेगी, कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी, लेकिन बीजेपी का जो टारगेट है वो शायद पूरा नहीं। कौन सा टारगेट? वो 40-50 सीट का है ना। अच्छा, तो सरकार किसकी बनेगी? सरकार बीजेपी की बनेगी शायद। सरकार बीजेपी, लेकिन अब तो मोदी भी नहीं है। नहीं है, लेकिन नाम तो है उनका, नाम से ही काफ़ी है बीजेपी, मोदी के नाम से। तो मोदी को जिताइएगा आप लोग? हाँ जिताएंगे ना, मतलब मोदी के नाम पे रूपानी को जिता दीजिएगा, तो कमजोर नेता है वो। कमजोर है, लेकिन चाबी तो मोदी जी के हाथ में है ना। हाँ, मतलब कोई भी अच्छा होता है पूरे भारत का तो अच्छा हो रहा है ना। हाँ, इसके हिसाब से जिताएंगे। भारत का अच्छा हो रहा है आप लोग मान रहे हैं? हाँ हो रहा है, पहले से तो हो रहा है। और गुजरात का अच्छा हुआ था मोदी के समय? गुजरात का अच्छा हुआ था, मतलब है अच्छा तो है। हाँ, गुजरात का भी अच्छा ही है, ऐसा बुरा हाल भी नहीं है। हाँ, कि भाई जो कांग्रेस के टाइम में था वो नहीं है। मतलब पुलिस का सिस्टम और जो भी है पूरा। हाँ, सिस्टम के हिसाब से ठीक है।